दोस्तों, आखिर सर्जिकल स्ट्राइक मिशन पर गए सैनिकों ने तेंदुए के मलमूत्र का इस्तेमाल क्यों किया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस बात को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निंबोरकर ने एक दिलचस्प खुलासा किया। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से पहले इलाके को बारीकी से समझा था। उन्होंने बताया कि जिस इलाके से होकर ये कमांडर पाकिस्तान के अंदर जाने वाले थे, वह इलाका घने जंगलों के अलावा आबादी वाला भी था। काप कमांडर को डर था कि यहां पर मौजूद कुत्ते इस सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम न कर दें। इसकी वजह यह भी थी कि कुत्तों के भौंकने से वहां के लोगों को कमांडर की जानकारी हो सकती थी। तब उन्होंने पाया कि वहां कुत्तों पर अक्सर ही तेंदुए हमला करते हैं और कुत्ते रात में तेंदुए के डर से भाग जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले कमांडर को खास तौर पर तेंदुए का मल और पेशाब दिया गया था। जिस रास्ते को कमांडर ने चुना, वहां पर वह इसकी बूंदे गिराते चले गए और 29 दिसंबर 2016 को सुबह 3:30 बजे इस मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 50 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था।